Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel. You are watching JEE Live Daily and I am your mathematics mentor Samir Chincholikar on this particular channel Unacademy JEE. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम जो सारे teachers हैं, यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, we are on a mission to provide quality education to all of you students through this particular channel. ठीक है, तो आपने अगर अभी भी subscribe नहीं किया है तो जल्दी से, सबसे पहले तो क्या काम है आज का, यस, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड वाला बटन प्रेस करो और सब्सक्राइब करो अनअकैडमी जेई चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे डिसिप्लिन के साथ में आपके पास ये सारे लेक्चर्स ला रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी उतनी डिसिप्लिन के साथ में सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और साथ साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है, ऑलराइट, जो यहाँ पर नया है उसको बता देता हूँ. आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ. ठीक है, तो आई गेस यहां पर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से देख लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के. आज लेक्चर नंबर 3 है. ठीक है, पूरा जो टॉपिक है सीक्वेंस में चल रहा है. अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, अभी हमने बेसिक आइडिया जो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम होते हैं वो समझ लिए हैं, उसके साथ साथ हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मुलेज भी निकाल लिए हैं. ठीक है, कि क्या यूज करना होता है, एनपीआर के प्लेस में क्या वैल्यू आती है और एनसीआर की क्या वैल्यू आती है. ठीक है, लेकिन एनसीआर के क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट नहीं किए. ठीक है, अभी एनसीआर का हमने केवल एक आइडिया लिया था, फॉर्मुला देखा था. ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहां पर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा आज का. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है. आज हम कुछ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बच्चों. ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन देके तंग किया जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में. ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन होपफुली आज के लेक्चर हम सारे कवर कर पाएंगे. ठीक है, ऑलराइट, एंड हमने लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 2 उसके कमेंट्स मैंने चेक किए, काफी सारे बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर दिए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपने आंसर दिए थे. ठीक है, लेकिन आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी कि उसके अंदर काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिए थे. तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे जिसके अंदर से पहले वाले क्वेश्चन का लगभग सभी ने सही आंसर दिया और दूसरे वाले क्वेश्चन का लगभग सभी ने गलत आंसर दिया है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन और देखते हैं यहाँ पर जो आपके पास दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा क्या करना था कि इतने सारे बच्चों ने कमेंट्स में मुझे गलत आंसर बताए. ठीक है, ऑल राइट, तो बच्चों बिफोर बिगिनिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस इज एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन पे काफी सारे इंटरेस्टिंग से कोर्सेज के थ्रू टीचर्स के साथ डिस्कशन करके जेई की तैयारी करने को मिलती है. ठीक है, यहां पर मैं जो कोर्सेज ले रहा हूं उनके नाम है इमर्ज एंड इवॉल्व. यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन वहां भी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन्स का डिस्कशन और सर्कल्स का डिस्कशन इमर्ज में चल रहा है एंड एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स इवॉल्व में चल रहा है. ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा यहां पर और ज्यादा यहां पर फैसिलिटीज जो है वो अगर आप लेना चाहते हो, जैसे यहां पर एडिशनल डीपीपीज मिलते हैं बच्चों को, वीकली और मंथली टेस्ट होते हैं, डाउट डिस्कशन सेशंस होते हैं, जैसे आज मेरे दोनों ही बैचेस में डाउट डिस्कशन सेशन था, अगर आप ये सब एक्टिविटीज करना चाह रहे हो हमारे साथ में सभी टीचर्स वहां पर मौजूद हैं. अगर आप ये सब करना चाह रहे हो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस जहां पर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से और भी बहुत सारे टीचर्स के कोर्सेस और सारे सब्जेक्ट वहां पर आप पढ़ सकते हो. ठीक है, ऑलराइट, यहां पर लेकिन एक बहुत ही बढ़िया खबर है, आप अगर प्लस पे लंबे टाइम के लिए ज्वाइन होना चाहते हो और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, अगर आप पीएनसी पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप 11th के बच्चे हो. ठीक है, हालांकि पीएनसी काफी सारे बच्चों को इंटरेस्ट आता है इसलिए यहां पर मुझे लग रहा है कि काफी सारे 12th और ड्रॉपर्स भी होंगे, रिपीटर्स भी होंगे. ठीक है, लेकिन अगर कोई यहां पर 11th का स्टूडेंट है तो उसके लिए स्पेशल यहां पर एक गुड न्यूज है कि आप डायरेक्टली 24 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, विच इज एट ए वेरी लो प्राइस. अगर आप जेई लाइव कोड यूज करते हो देन इन दैट केस ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1500 पर मंथ में. ठीक है, 1500 पर मंथ, आई थिंक अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया जाए सो दैट कम्स आउट टू बी 500 रुपीज फॉर मैथमेटिक्स. राइट, सो आई कैन टीच यू 500 टीच यू एंटायर जेई मैथमेटिक्स फॉर 500 पर मंथ. ठीक है, आई थिंक इतना तो आजकल जो जूनियर क्लासेस होती है उनके ट्यूशन की फीस भी इससे ज्यादा होती है. ठीक है, सो अनअकैडमी डेफिनेटली इज डूइंग वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर वो ऑलरेडी इतने कम प्राइसेस में कोर्सेस दे रहा है बच्चों के लिए. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर उस प्राइस को और कम कर रहे हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड जेई लाइव. ठीक है, इससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चों. ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर अदर देन दैट वी टीचर्स ऑल्सो टेक सम स्पेशल क्लासेस, तो आपने स्पेशल क्लासेस को भी फॉलो करते रहना चाहिए. स्पेशल क्लासेस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज दैट वी आर टेकिंग, लेकिन उसके अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है, वहां पर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है जिसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, केवल रजिस्टर करना है आपको. ठीक है, सो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर स्पेशल क्लासेस वाला सेक्शन ऑल्सो रेगुलरली. ठीक है, ऑल राइट, वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप. ऑल राइट हर्ष, काफी दुखी है यहाँ पे हर्ष, ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हर्ष, आंसर निकाल के बताना है आज. ठीक है, ऑल राइट, हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इतना पूरा उन्होंने पूरा चूरा अच्छा खेला था. ठीक है, राउंड 1 में इतने अच्छे हमने खेले थे सारे मैचेस, लेकिन अब एक गेम की वजह से ऊपर से बारिश हो गई, मुझे लगता है बारिश ज़्यादा इसके अंदर कल्प्रेट है एज़ कम्पेयर टू अवर प्लेयर्स. हमारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे थे. ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं,
वन ऑफ चांस होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये सीखने को मिल रहा है आज के जो इंडिया मैच हारी है जिस वजह से वर्ल्ड कप के बाहर हो गई है, ठीक है, आपको ये सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फाइनल डे परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज बारिश गिर गई इसलिए आप पुअर परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर 2 साल बाद एग्जाम जो देने वाले हो उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सो 2 साल तक आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया है और आखिरी दिन जाके आपने बिल्कुल गड़बड़ कर दी तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हमारी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लास्ट दिन चाहे वहाँ पर आंधी तूफान आ जाए हमें तो क्या करना है, पेपर हमारा अच्छे से सॉल्व करके ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के जो पूरा हमारा मूड है क्योंकि वो पूरा स्पॉइल किया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया मैच हार गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पीएनसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है लकीली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट डेफिनेटली आप सब बच्चों का हो जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। तो कॉम्बिनेशन के बेसिकली डिस्कशन हमारा क्या क्या हो गया था कि ये बेसिकली सिलेक्शन होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमने फॉर्मूले तक पहुंच गई थी कहानी पूरी हमारी, ठीक है, कि एनसीआर एक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली सिलेक्शन वाला आंसर निकाल के देता है। एनसीआर क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये वाला डिस्कशन हमने कर लिया था, किसी बच्चे का अगर छूट गया है तो उसने लेक्चर नंबर 2 पीछे जाके एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी समझ में आया था, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो या फिर आप फर्दर ऐसा समझ सकते हो कि एनपीआर इज नथिंग बट एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, अगर आपको डायरेक्टली अरेंज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि मैं डायरेक्टली अरेंज कैसे करूं, एनपीआर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आप यहां पे डेफिनेटली क्या कर सकते हो, 2 स्टेप में प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, पहले सिलेक्शन कर लो और जितने सिलेक्ट हो गए हैं फिर उनको अरेंज कर लो, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यहां पर एनसीआर का कांसेप्ट कितने बढ़िया तरीके से यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनके ऊपर आता हूं। याले होपफुली बच्चों आपको सारे रिजल्ट्स याद हो गए हैं, ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, ये मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ आज के कैलकुलेशन में, ठीक है। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, क्योंकि इससे मुझे कैलकुलेशन ज्यादा सिंप्लीफाई करते आती है, ठीक है। आप भी समझ जाओगे कि इसका यूज मैं कैसे कर रहा हूँ ताकि आप भी आगे से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर मेरे ख्याल से बच्चों ने 75 मुझे बताया है ना। एक बार चेक करते हैं कि बाकी बच्चे भी यही आंसर बता पा रहे हैं क्या। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है किसका, सिलेक्शन का, ठीक है, कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर मुझे क्या करना है, मेरे पास 6 बॉयज है और मेरे पास 5 गर्ल्स है, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 बॉयज और 4 गर्ल्स सिलेक्ट करना है। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस, 2 अलग अलग प्रोसेस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ब्रेक कर सकता हूं। 6 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये करते हैं एंड ये भी करते हैं, ये करते हैं एंड ये भी करते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों आंसर आएंगे इनको क्या करना रहेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक कर रहे हो ना, पहले बॉयज को सिलेक्ट करो उसके बाद गर्ल्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा आंसर, यहां पर मैं लिखता हूं इसका आंसर डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में आंसर लिख रहा हूं इसका, कितना आएगा 6C4, 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, कैसे आता है वो नंबर, एनसीआर वाले फॉर्म से डायरेक्टली निकल के आता है। एंड देन क्या करूंगा मैं, एंड देन मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो 5C4, ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पर एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर यूज करके इस चीज को थोड़ा छोटा करूंगा, उसके बाद फिर इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, 6C4 इज सेम एज 6C6 माइनस 4, मतलब 6C2 के बराबर है ये। उस रिजल्ट से हमने जो अभी प्रॉपर्टी देखी थी, ये रिजल्ट जो है ये 6C2 के बराबर है, और वैसे ही 5C4 किसके बराबर है, ये 5C1 के बराबर है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो काफी आपको चैन रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। अब 62 मैंने आपको लिखना सिखा दिया ना बच्चों, कैसा होता है ये, 6 × 5/2 होता है, और 5C1 का वैल्यू मैंने आपको याद करा दिया है, NC1 का वैल्यू कितना होता है, N होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना आंसर निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल लिए थे, 75 आई कैन सी, यहां पे काफी सारे बच्चे ऑलरेडी यहां पे आंसर बता रहे हैं, यस, ऑलराइट, गुड। तो यहां पर पूर्वी है और नकुल बेटा 45 कैसे आंसर आ रहा है चेक करो, यस नकुल आप 75 बता रहे हो, वेरी गुड, ऑलराइट, चिन्मय 75 बता रहा है, यस, अलीशा, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था और यहां पर सारे बच्चे जिसका आंसर गलत बता रहे थे, लेट अस ट्राई टू गेट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, यहां पे जो रेड से मैंने एडिशन किया है, कंस्ट्रेंट जो मैंने ऐड किया है उसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, बिल्कुल सेम सिनेरियो लग रहा है। इफ ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, यहां पर कोई तो दो हैं जिनका झगड़ा हो गया है,
ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने थे, 11 बच्चे थे क्लास में, ठीक है, उसमें से एक लड़का और एक लड़की का झगड़ा हो गया है, वो साथ में काम करने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको टीम बनानी है, टीम हमेशा कैसी होती है, टीम ऐसी होनी चाहिए जो साथ में काम करे। इसका मतलब इन दोनों को सेम टीम में रख के कोई फायदा नहीं है, इनको या तो अलग अलग रखो या रखो ही मत इनको, ठीक है, पूरा झगड़ा अलग कर दो, हम तो उन लोगों को सिलेक्ट इन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं आपको अलग अलग केसेस क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे सोचेंगे इस बात को, यहां पर पहले तो मैं ऐसा लिखता हूं कि यहां पर नाम देना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 6 बॉयज है ना, तो ऐसा नाम दे देते हैं इसको B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, ठीक है। जितना आप अच्छे से विजुलाइज कर लोगे क्वेश्चन को, उतना आप करेक्ट आंसर निकालोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ आंसर बता रहे हैं, यस, लेकिन चिन्मय इसका आंसर 35 बता रहा है, वेरी गुड चिन्मय, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। बाकी बच्चे भी ध्यान से देखो, G1, G2, G3, G4 एंड G5, यहाँ पर 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इनमें से कोई तो एक बॉय और एक गर्ल है जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे B6 और G5 को प्रॉब्लम है, इन दोनों को साथ में काम करने से प्रॉब्लम है, इनका झगड़ा हो चुका है, तो मुझे टीम बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि B6 और G5 साथ में नहीं आने चाहिए। आ रही बात समझ में, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे केसेस। ऑलराइट, तो यहां पर सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि मैंने B6 को लेटर से सिलेक्ट कर लिया, मैं B6 सिलेक्ट करना चाह रहा था, वो जो टीम में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे ऐसा लग रहा है बेटर रहेगा, तो मैं B6 को तो सिलेक्ट करना ही चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं B6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, B6 सिलेक्टेड, तो इसका मतलब मैंने यहां पर ऑलरेडी क्या बोल दिया आपको, मैंने आपको ये बोल दिया कि एक लड़का तो सिलेक्ट हो चुका है, मुझे कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं टोटल, मुझे 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं टीम में, तो अब कितने की जरूरत है, अभी और 3 और बॉयज की जरूरत है मुझे, कितने बचे हैं, 5 बचे हैं, है ना, यहां पर 5 बॉयज बचे हैं, उसमें से 3 बॉयज और अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो इसके साथ मिलकर टोटल 4 बॉयज की टीम बन जाएगी, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, अब गर्ल्स चाहिए, लेकिन गर्ल्स हमें जब सिलेक्ट करने जाऊंगा तो G5 मना कर देगी, G5 बोलेगी कि आपने ऑलरेडी B6 को सिलेक्ट कर लिया है, मैं अब काम नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, फिर चारों जो गर्ल्स बची हैं उनमें से 4 को सिलेक्ट कर लो। अब 4 में से 4 को सिलेक्ट करना मतलब क्या करना है, 4C4 करना है, जिसका आंसर 1 आने वाला है, हमें पता है पहले से, ठीक है। केसेस कैसे बना रहे समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ आई कैन सी लॉट ऑफ यू आंसरिंग 35, गुड बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये केस हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, G5 का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, सो लेट अस सिलेक्ट G5। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो G5 को सिलेक्ट करेंगे तो B6 मना कर देगा काम करने से, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन पहले गर्ल्स का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। G5 को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, अब मेरे पास इसका मतलब 4 गर्ल्स में से एक गर्ल का सिलेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो मुझे और कितनी गर्ल्स चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए। कितने में से, ये जो बाहर है इनमें से कोई तो 3 गर्ल्स और एक्स्ट्रा चाहिए टीम कंप्लीट करने के लिए, तो 4 में से 3 गर्ल्स मुझे और चाहिए। एंड देन क्या करूंगा, मैं बॉयज के पास जाऊंगा, तो बॉयज में से B6 ने तो मना कर दिया है, अब मैं क्या बोलूंगा कि जो 5 बचे हैं बॉयज उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लो। आ रही बच्चों वास्तव में, है ना, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट केस क्या हो सकता है, लास्ट केस हमें लग रहा है कि हमें तो इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है, ना ही हम B6 को लेंगे ना ही हम G5 को लेंगे, ठीक है, हम तो बचे हुए बच्चों में से अपना एक टीम बना लेंगे, ठीक है। तो बॉयज है ना, नन सिलेक्टेड, नन ऑफ B6 एंड G5 सिलेक्टेड, ऐसा एक हमारा नेक्स्ट केस हम बनाएंगे, विच आई थिंक इज द लास्ट पॉसिबल केस, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर निकल के आएगा आपका, जो बचे हुए 5 हैं उनमें से 4 को सिलेक्ट करो, और यहां पर भी जो बचे हुए 4 हैं उनमें से 4 को सिलेक्ट करो, इनके आंसर्स निकाल के देखो कितना आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर फिर से अगर आपको ये कैलकुलेशन जल्दी करना है तो आपने क्या करना चाहिए, यहां पर NCR इज इक्वल टू NCN-R पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा उसे। 5C3 सेम एज 5C2, नीचे जितना छोटा नंबर होगा उतना प्रीफर करूंगा मैं। अच्छा, NCN का आंसर तो 1 आता है तो इसको डायरेक्टली 1 लिख दूंगा मैं, 4C4 का आंसर पक्के से 1 आएगा, ठीक है। ऑलराइट, 4C3 इज सेम एज 4C1 एंड 5C4 इज सेम एज 5C1। ऑलराइट, और लास्ट में यहां पर 5C4 इज सेम एज 5C1 एंड यहां पे 4C4 इज एक्चुअली 1, तो यहां पर आगे कुछ यहां पे खास लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 5C2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 4/2, 5 × 4/2 मतलब कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। वैसे यहां पर देखो ये 4C1 और 5C1 याद हो गया क्या, NC1 का आंसर N आता है, NC1 का आंसर N आता है, तो इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा, तो यहां पर आ गया 20। और लास्ट वाले में देखो कितना हो रहा है, लास्ट वाले में हो रहा है आपके पास 5। अभी क्या करेंगे, यहां पर जो सारे केसेस बने हैं इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पर जो केसेस बने उनको ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो स्टेटमेंट, Either I will do this particular case where I will select B6 or I will take G5 or I will take none of these students, ठीक है। तो आपने बीच में क्या बोला, और बोला, इसका मतलब ये सारे answers को आपको आगे चल के add करना होगा, इन सबको add करोगे तो आपका answer 35 आएगा, which is the correct answer here, clear हो गया सबको, अगली बार से गड़बड़ नहीं होगी,
ऑल राइट, यस, यहाँ पर गीतांश क्या हो गया बेटा, समझ में नहीं आया? ऑल राइट, फिर से देखो एक बार, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पेयर है यहाँ पर B6 और G5 है ना, हमने उनको सिलेक्ट कर दिया, पर्टिकुलर बोला है ना, तो आपको अगर बोलना होता था B1 और G1 को दिक्कत है, ऐसा भी करके स्टार्ट कर सकते थे क्वेश्चन, मैंने B6 और G5 में प्रॉब्लम है ऐसा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी पेयर में प्रॉब्लम बताओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई एक पेयर सिलेक्ट कर लो जिसको दिक्कत है, ठीक है। अब वो दिक्कत अगर है तो फिर वो दोनों साथ में कभी भी टीम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर B6 आ गया है तो मैंने G5 को मना कर दिया, अगर G5 आ गया है तो मैंने B6 को मना कर दिया, या फिर मैंने दोनों को ही मना कर दिया, तब भी तो बचे हुए बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो एज ए टीम काम कर ही जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द थॉट जहां पे हम यहां पर आंसर 35 बता पा रहे हैं, यस, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, ऑल राइट। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस 2016 एडवांस का क्वेश्चन है ये, क्या हम इस लायक हो गए कि इतने जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल इस लायक हो गए हम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है अभी, एनपीआर एनसीआर के फॉर्मेट्स ही पढ़े हैं, लेकिन इससे क्या समझ में आता है आपको, एडवांस में बेसिक वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले तो अपना बेस क्लियर करो, ठीक है। एकदम से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और मल्टीनोमियल थ्योरम सुन के अगर कोई यहां पे परेशान होकर बैठा है तो पहले बात उसने क्या देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहिए कहां से आ रहे हैं, ठीक है। जहां जिस टॉपिक से आ रहे हैं, अगर बेसिक टॉपिक से आ रहे हैं तो व्हाई नॉट फोकस ऑन दोस टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। यस, येलो क्वेश्चन ट्राई करो, जिसको आता है ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो यहां पे हम सॉल्यूशन इसका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ लो इसको पहले अच्छे से। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब, ठीक है। तो क्लब में ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन मैं उस क्लब में से 4 बच्चे सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, मे बी फॉर सम कॉम्पिटिशन और समथिंग, ठीक है। और क्या करना है यहां पर, अब 4 में से मुझे एक कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो कि आपका जो कॉलेज है, आपके कॉलेज में एक डिबेट क्लब है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं, 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। अब आपको दूसरे कॉलेज के साथ डिबेट करने के लिए कंपटीशन में जाना है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में 4 ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, अब 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम 4 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें से एक कैप्टन भी हमें अलॉट करना है, ठीक है। दैट इज एन एडिशनल स्टेप जो इन्होंने एडवांस में पूछा था, ठीक है। और आगे क्या है, इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा लड़का मुझे नहीं चाहिए उस टीम में, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम इज, ऐसा ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेट अस सी यहां पर कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं इसका, ऑल राइट, आई कैन सी सम स्टूडेंट्स आंसरिंग हियर, बहुत बढ़िया है ना। तो यहां पर देखते हैं बाकी बच्चे जो यहां पर क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, 2 केसेस बना लेते हैं, ठीक है। 2 ही तो पॉसिबल केसेस हैं, या तो मैं एक बॉय सिलेक्ट करूंगा या फिर मैं एक भी बॉय सिलेक्ट नहीं करूंगा, 2 ही केसेस बनेंगे, लास्ट क्वेश्चन में तब भी 3 बन गए थे, ठीक है। तो यहां पर पहला केस क्या है कि नो बॉय सिलेक्टेड, लेट अस कंसीडर दिस एज द फर्स्ट केस, नो बॉय सिलेक्टेड। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमने किसके ऊपर डाल दिया, 6 गर्ल्स के ऊपर डाल दिया, ऑलराइट। हमारे पास 6 गर्ल्स हैं डिबेट क्लब में, उनमें से हम मुझे क्या करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। तो 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, बन गई टीम। लेकिन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब ये जो 4 सिलेक्ट हो गए, इनमें से 4ों में से किसी एक को बोलना है कि आप कैप्टन हो। किसको बोलेंगे, किसी भी 4 में से एक, किसी भी 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, 4C1। 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, 4C1। तो 4C1 वेज में आप क्या बोलोगे, यहां पे कैप्टन सिलेक्ट हो गया, पहले तो यहां पे प्लेयर सिलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर यहां पे कैप्टन भी सिलेक्ट हो गया, यस। तो पहला वाला केस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है यहां पे, उसके बाद हम बोलेंगे सेकंड केस ये है कि 1 बॉय सिलेक्टेड, ठीक है। एक बॉय को तो सिलेक्ट करना ही है, यह वाला केस देखो कैसे बनेगा आपका। तो यहां पर अगर मुझे एक बॉय को सिलेक्ट करना ही है, मेरे पास कितने बॉयज हैं, मेरे पास 4 बॉयज हैं, किसी भी 4 में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा यह वाला केस फुलफिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी एक बॉय सिलेक्ट कर चुका हूं तो टीम में अब 3 लोगों की जगह, टीम में क्योंकि 3 लोगों की जगह है तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, 6 गर्ल्स में से कोई भी 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लो। आई बात समझ में, ऑलराइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी और बची है कहानी, अभी तो यहां पर जो 4 लोग आए हैं टीम के अंदर, जिसमें एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं, अभी हमें क्या करना है, एक कैप्टन भी तो सिलेक्ट करना है। तो उन 4ों में से कोई भी एक पर्सन अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपको कैप्टन भी पता चल जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज दिस, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है, यस 380, वेरी गुड नेमिश, यस दिव्यंदु, बहुत बढ़िया, आयुष भी आंसर बता रहा है, ऑल राइट। कृष्णा बेटा एक बार आंसर चेक करो, 95 कैसे आ रहा है आपका, बाकी बच्चे कैलकुलेशन करो अच्छे से। अमन 40 आंसर आ रहा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, यस ऑल राइट। गीतांश 380 बता रहा है, वेरी गुड। चलो देखें इसको कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको, ठीक है। एटमोस्ट 1 बॉय आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां पर लेट अस सी क्या होने वाला है, 64 को ज्यादा अच्छा क्या तरीका लिखने का, 64 को ऐसा करते हैं 62 लिख लेते हैं। तो ये 6C2 into 4C1 तो 4 होता है,
ठीक है। और यहां पर जो नेक्स्ट आपका ये वाला प्लेस है, इसको कैसे लिखोगे? 4c1 तो 4 होता है, 6c3 कितना होता है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको आगे लिख लेते हैं। यहां पर 4c4 तो 4 होता है, 6c3 में क्या करना पड़ेगा? 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1 मेथड याद आ रहा है। 6c3 अगर लिखना है तो ऊपर तीन फैक्टर्स लिखना है 6 से स्टार्ट करके, और नीचे 3 फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, और यहां पर आपके पास 4c1 का वैल्यू तो 4 आएगा ही, तो यहां पर क्या कैंसिल हो गया? ये सारा का सारा 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, जल्दी से यहां पर करके बताओ कितना आंसर आएगा, 380 आ रहा है क्या? एनी क्लासेस को KVPY, शाश्वत इज आस्किंग KVPY के लिए कोई क्लासेस होंगी क्या? अलग से बेटा डेडिकेटेड क्लासेस तो नहीं कर पाएंगे KVPY की, लेकिन आप ये देखते हो कि अगर उसके अंदर काफी सारा सिलेबस अगर मैच करता है JEE से, ठीक है, देन JEE की क्लासेस अटेंड करने में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो अभी काफी टाइम है KVPY में, आप तब तक साइड बाय साइड पढ़ाई स्टार्ट कर लो। ठीक है, लेकिन JEE को भी फोकस में रखना है ना, उसको निगलेक्ट करके कोई यहां पे काम होने वाला नहीं। ठीक है, बिकॉज दैट इज अवर मेन टारगेट। ठीक है, ऑलराइट, यहां पर क्लियर हो रहा है सबको, है ना? कैलकुलेशन बचती है इसके बाद में, बस 6c2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 × 5 / 2। ठीक है, 6 × 5 / 2 तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 × 4 करना पड़ेगा, 15 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, नीचे आपके पास 20 है और 16 है, ठीक है, तो 320 हो जाएगा, तो 380 इसका आंसर आ रहा है। ऊपर से 60 आ रहा है, नीचे से 320 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 380 बिकम्स योर फाइनल आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था उससे सिंपल क्वेश्चन था ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यस नागेश, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पहली बार में समझ में आने लायक ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एटमोस्ट एक ही बॉय को सिलेक्ट करना है, इसलिए आपके पास दो ही केसेस आ रहे हैं, या तो आप एक भी बॉय को सिलेक्ट नहीं करोगे या फिर आप किसी एक बॉय को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर एक भी बॉय को सिलेक्ट करना ही नहीं है, मतलब क्या करना है? 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, तो 64 वो क्वांटिटी है जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें से जो आपने 4 सिलेक्ट किए हैं उनमें से कोई एक कैप्टन होना चाहिए, तो इसलिए आगे क्या लिखा है? 4c1। वैसे नीचे भी देख लो, अगर मुझे एक बॉय को सिलेक्ट करना ही है तो मेरे पास बॉयज कितने थे? 4 थे, जो 4 में से एक को सिलेक्ट करना जरूरी है। अब बचे हुए कितने हैं? बचे 3 हैं मेंबर्स, अभी टोटल 4 की टीम क्रिएट करनी है ना, तो 3 मेंबर्स अभी बचे हैं, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली बॉयज तो और सिलेक्ट हो नहीं सकते, तो गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है। 6 गर्ल्स थी मेरे पास, उसमें से मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे कैप्टन का सिलेक्शन है। ठीक है, 4c1 क्या बता रहा है कि आपने इन चारों में से जिनको सिलेक्ट किया कैप्टन किसको बोला? ठीक है, ये सारे केसेस इंक्लूड करोगे तो 380 इसका आंसर आएगा। बढ़े आगे, ऑल राइट, दैट इज इट। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके प्रोबेबिलिटी में भी आते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपका PNC का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे काउंटिंग ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास एटमोस्ट था, एटमोस्ट। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने? एटलीस्ट। एटलीस्ट वाला जो केस है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर यहां पे बोल दिया एटलीस्ट 1 बॉल, ठीक है, तो यहां पर दो मेथड अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 1 ये है कि हम अलग अलग केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे यहां पर एटलीस्ट, यहां पर थोड़ा विजुलाइज करने के लिए पहले मैं आपको एक बॉक्स के अंदर सब वैल्यू लिख के दिखा देता हूं। मेरे पास यहां पर एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं, उसके बाद मेरे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ओहो, जस्ट अ मिनट, और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। मेरे पास एक बॉक्स के अंदर 2 व्हाइट बॉल्स हैं, उसके बाद 3 ब्लैक बॉल्स हैं और उसके बाद 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास पूरा अरेंजमेंट है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर से कितने निकालना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ से 3 बॉल्स सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से 3 बॉल्स में निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये विजुलाइज कर रहे हैं हमने फिगर कैसा बनना चाहिए, है ना, क्या हमने यहाँ पे करना चाहिए क्वेश्चन में, हमें समझ में आ गया। ठीक है, ऑल राइट, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ से कम एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल तो निकले, तो क्या क्या केसेस बनाऊंगा मैं? एक केस ये बनाऊंगा कि एग्जैक्टली एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, तो 1 ब्लैक, और करनी कितनी है? टोटल 3, मतलब 2 अदर बॉल्स, है ना। अब वो अदर किसी भी कलर के हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो व्हाइट भी हो तो भी चलेगा, वो रेड भी हो तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर है? जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होना चाहिए। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये बनेगा कि यहाँ पे 2 आपने ब्लैक सिलेक्ट कर लिए और बचा हुआ जो 1 है वो आपने कोई अलग कलर का सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप लास्ट केस का सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों कि आपने तीनों के तीनों ब्लैक बॉल्स ही सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो यहां पर बस इतने से ही 3 केसेस बनेंगे, इनका आंसर निकालोगे तो देखो कितना आएगा एक एक करके। ऑल राइट, 64, यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर विनू, पारस, बहुत बढ़िया, सागर 63 बता रहे हो बेटा, यहां पर चेक करो,
है ना श्रीनिधि, बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे 64 आंसर आई थिंक इसका बिल्कुल सही है। पूनम 54 आ रहा है बेटा आपका, एक बार चेक करो, 64 आना चाहिए। वन ब्लैक और टू अदर्स, वन ब्लैक एंड टू अदर्स, अगर मेरे पास तीन ब्लैक बॉल्स हैं तो उसमें से एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, तीन में से एक, तीन में से एक, 3C1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टू अदर्स, तो आपके पास अदर बॉल्स कितनी है, अदर बॉल्स आपके पास 6 हैं, ठीक है, तो 6 में से कोई से भी दो सिलेक्ट कर लो, है ना, टू अदर्स चाहिए आपको। ये पहला वाला केस कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है कि दो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने, कितने हैं, तीन ही तो हैं, तीन में से दो सिलेक्ट करवा लो। अगर ऑलरेडी दो सिलेक्ट हो गए, टोटल तीन आपको ड्रॉ करनी है बॉल्स, तो आपके बचे हुए जो हैं उसके अंदर से आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है चलो फिर एक ही करेंगे। और क्या है, लास्ट वाला केस तो बहुत ही सिंपल है, तीन ब्लैक बॉल है, तीन ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ करना है, तो 3C3 कर लेते हैं। ये सारे केसेस के आंसर्स निकालो और ऐड करके देखो, 64 आंसर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 6 × 5/2, ये पहला केस है। लास्ट वाला नया वाला केस कितना है, ये 3C2 का वैल्यू 3C1 के बराबर है, अब याद हो गया, 3C2 का वैल्यू 3C1 के बराबर है, और 3C1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, और 6C1 तो 6 होता ही है, तो यहाँ से ये 18 आ गया, और यहाँ से ये 6 ये 1 आ गया। NCN का वैल्यू याद करवा दिया मैंने, NCN का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है हमेशा, क्लियर है। लेकिन याला जो अप्रोच है ये थोड़ा सा लंबा अप्रोच है, यहाँ पे हम इससे बेटर अप्रोच कर सकते थे, मेथड 2 हमें अभी यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक से ऊपर वाला कैलकुलेशन कर लेंगे सारे बच्चे ना, यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 45 आएगा, और ऐड वैड करके देख लो आपके पास यहाँ पे टोटल आंसर 64 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आपके पास जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ आरती 69 नहीं बेटा 64 आना चाहिए, एक बार चेक करो। ऑलराइट सुनो, यहाँ पे जब भी आपके पास एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, आप टोटल माइनस नन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अनदर अप्रोच, वंडरफुल अप्रोच। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन इज सेम एज टोटल माइनस नन, ठीक है। इससे कई बार आपको कम स्टेप्स में आंसर मिल जाता है, यानी वो समझ में आ रही है। मैंने टोटल कितने तरीके से मैं बॉल ड्रॉ कर सकता था वो देख लेता हूं, और ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें मैंने एक भी ब्लैक बॉल ड्रॉ नहीं करी। अगर मैंने एक भी ब्लैक बॉल ड्रॉ नहीं करी है तो वो गलत हो गया ना, जो गलत हो गया उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे टोटल कितने दिख रहे हैं, टोटल यहां पर मेरे पास 9 बॉल्स हैं, 9 में से कोई से भी 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो 9 में से कोई से भी 3 निकाल सकता था, लेकिन यहां पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा केसेस आ गए जो नहीं होने चाहिए थे। एक्स्ट्रा केसेस कौन से हैं, जिसके अंदर मैंने ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। तो अगर मैं ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, नन वाला, नन ऑफ द बॉल सिलेक्टेड इज ब्लैक, तो इसका मतलब मैंने कहां से सिलेक्ट किया है, व्हाइट या फिर रेड सिलेक्ट किया है। वो टोटल कितने आपके पास, वो टोटल आपके पास 6 है। तो यहां पर मेथड क्या हो गया, 6C3 जो मैक्सिमम हो सकता है वो कर लिया, टोटल निकाल लिया, और उसके सॉरी 9C3 और उसके अंदर से क्या, गलत वाले केसेस हटा दिए, तो 6C3 उसके अंदर से हटा दिया। यहां पर हमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने ऐसे किया था क्या, यस, ट्राई करके देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 9 × 8 × 7 / 3 × 2 × 1 भी आएगा, −6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यहां तो कैंसिलेशन बहुत ही आसान है, 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ में, यहां से ये 3 बन रहा है, यहां से ये 4 बन रहा है, जल्दी से कैंसिलेशन करके देखो सही आंसर आ रहा है क्या इससे, ठीक है। यहां से भी बिल्कुल सिमिलर आंसर आना चाहिए, यस दिव्यंदियो आगे बचे वास्तव में, अच्छा 84 − 20, यहां पे बच्चा आंसर बता रहा है 84 − 20, ऐसा कुछ तो हो रहा है। ऑल राइट 84 − 20 एंड दैट गिव्स यू अगेन 64, क्लियर, याद रहेगा यहाँ मेथड। अच्छा अरिमा ने यही मेथड से किया था, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ऑल राइट यहाँ पे श्रीजीत बोल रहा है कि उसने भी सेम मेथड अप्लाई किया था, यस वेरी गुड। तो बाकी बच्चों को भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मल्टीपल अप्रोचेस पता होना चाहिए, कौन सा वाला अप्रोच से ज्यादा फील आ रहा है, हो सकता है कि ये ज्यादा समझ में आया, ठीक है, लेकिन ये जल्दी हो गया, तो इस बात में भी अगर समझने में थोड़ा भी लोड आ रहा है तो उस लोड ले लो और एक बार में समझ लो, ठीक है। ऑल राइट चलो और करते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास, क्योंकि अभी तो हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमें करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कोई अगर यहाँ पे रिपीटर होगा तो उसको क्वेश्चंस याद आएंगे एक करके, ठीक है। जो 11th वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना स्टार्ट करो, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्योंकि क्लास में कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे वैसे भी क्या होता है ना, सारे क्वेश्चंस तो कभी भी कोई नहीं करता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट चलो, तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करके समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। ऑल राइट क्या क्वेश्चन है, लाइन L1 एंड लाइन L2, लेट अस से ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये
थ्री पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1, ठीक है, थ्री पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1, 1, 2, 3, ऑल राइट, एंड फोर पॉइंट्स आर टेकन ऑन L2, फोर पॉइंट्स आर टेकन ऑन L2, 1, 2, 3, 4, ऑल राइट. हाउ मेनी न्यू स्ट्रेट लाइन्स, न्यू स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ पे ओल्ड स्ट्रेट लाइन्स कितनी दिख रही है आपको, ऑलरेडी दो स्ट्रेट लाइन्स है L1 और L2 नाम की, ठीक है. किसी को अगर आता है तो यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल, है ना, रुकने की बात नहीं है यहाँ पे कुछ भी. यहाँ पर हाउ मेनी न्यू स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स मतलब कितने पॉइंट्स है मेरे पास, टोटल यहाँ पर 7 पॉइंट्स मुझे ड्रॉ किए हुए दिख रहे हैं. इन पॉइंट्स से पास होने वाले कितने नए स्ट्रेट लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका आंसर कैसे निकालेंगे. अच्छा, इसका आंसर 64 आ रहा है, ऑल राइट, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा. नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, आई थिंक 64 आप पुराने क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, ठीक है. श्रीजीत इसका आंसर 12 बता रहा है, वेरी गुड, ऑल राइट. दिव्यंदु लेकिन 21 कैसे बता रहे हो, गलत प्रेस हो गया क्या, 2 पहले प्रेस हो गया. ध्रुव इसका आंसर 12 बता रहा है, ऑल राइट, गुड. गौतम लेकिन 14 नहीं आ रहा बेटा, 12 आना चाहिए शायद, यस. ओहो, इतनी सारी जनता 12 बता रही है, गुड टू सी दिस, है ना. क्या करना है यहाँ पे, क्या समझ में आया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करूंगा मैं. अगर मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन बनती, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना तो वेस्ट है, क्योंकि इससे जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो तो ऑलरेडी गिवन स्ट्रेट लाइन है, वो ओल्ड स्ट्रेट लाइन है. लेकिन हमें कौन से काउंट करना है, न्यू स्ट्रेट लाइंस काउंट करना है. तो नई स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब आप एक पॉइंट ऊपर से और एक पॉइंट नीचे से सिलेक्ट करोगे तो नई स्ट्रेट लाइन बनेगी. समझ में आ रही है बात, ऑल राइट. यहां पे 12 आंसर दिख रहा है क्या सबको, क्या बोलूंगा मैं, अगर मुझे दो पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा तो नई स्ट्रेट लाइन मिलेगी. पॉइंट कहां से सिलेक्ट करना है, एक ऊपर से और एक नीचे से, सिलेक्शन हो रहा है मतलब एनसीआर का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है. कितने हैं यहां पे, 3, ऊपर वाले 3 में से कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो एंड नीचे वाले 4 में से कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आपको पक्के से एक नई यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है. इसको अगर ओपन कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, अब तो याद हो गया आपको, NC1 का वैल्यू N होता है, ठीक है. तो 3 × 4 इसका आंसर 12 आएगा, क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, गुड, वेरी गुड. अच्छा, सर्वेश बोल रहा है मैं आपका आंसर नहीं देख रहा हूँ. अरे सर्वेश, वो एक्चुअली चैट इतने जल्दी जा रहा है कि मुझे एक्चुअली नाम पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही आंसर देते रहो, डेफिनेटली आपका भी आंसर कभी ना कभी तो देखने को मुझे मिलेगा, ठीक है, ऑल राइट. हाँ, 3C1 × 4C1, बिल्कुल निमिश, बिल्कुल सही आप बता रहे हो. यहाँ पे बात बढ़े आगे, तो एक बेसिक फंडा समझ में आया, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको, ठीक है, ऑल राइट. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, है ना, हो सकता है लेवल एकदम से आपको लगे कि वो इतना लेवल जंप कर दिया सर ने, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, करके देखो, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड, कितना आंसर आना चाहिए इसका, ABCD आपके पास ऑप्शन है, यस. जेई का प्रिपरेशन कैसे करें विकी, अरे ऐसे ही करना है, कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है और अपने आराम से प्रैक्टिस करनी है. श्रीजीत आप मेरा नाम पूछ रहे हो, ओहो लेट ज्वाइन किया क्या शायद, अच्छा मेरा नाम समीर है बेटा. अच्छा आलोक यहाँ पे बोल रहा है कि वो 10th में और प्री आर्मी में क्रैक करना चाह रहा है, ओहो काफी अच्छा टारगेट है बेटा आपका, ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऑल राइट. चलो देखें इसका आंसर कैसे निकलेगा. यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शंस तो हैं ही सबको, तो ABCD में आंसर बताना है आपको, ठीक है. अच्छा अच्छा बहुत, और इतने सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आंसर बताने की जल्दी मत करो, यहाँ पर फंडा अगर पता है तो उसको अप्लाई करो और उसके बाद फिर आंसर बताओ, ठीक है. इसका आंसर या तो अगर आएगा तो बहुत जल्दी आएगा, जिसको फंडा पता है वो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकता है इसका. तो यहाँ पे फोकस करते हैं फंडे पे, ठीक है, कि यहाँ पे आंसर कैसे निकलता है. काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए चेस बोर्ड, तो पहली बात तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है. यहां पर आपके पास जो स्क्वायर्स हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा रेक्टेंगल्स में, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यहां पर कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है, ठीक है, ऑल राइट. तो यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर आपको एक्चुअली क्या क्या काउंट करना है. यहां पर आपको ये छोटा वाला काउंट करना है ऑब्वियसली, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, सब काउंट करना है. फिर आपको एक ऐसा वाला भी काउंट करना है, ये क्या है, ये 1 इसका हाइट है और 2 इसका विड्थ है, ठीक है. फिर ऐसा वाला भी काउंट करना है, फिर ऐसा वाला भी काउंट करना है, ठीक है, और ऐसा करते जाना है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे इसके अंदर रेक्टेंगल्स हैं, ऑल राइट. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑब्वियसली नहीं लव, यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ पर बी आंसर नहीं है एक्चुअली इसका. यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो एक्चुअली स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके नाम में सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा है, ठीक है. यहाँ पर अब लॉजिक सुनो क्या है, अगर मैं यहाँ पर काउंट करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो उससे बेटर क्या है, मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ना रेक्टेंगल, इंस्टेड बेटर इज टू क्रिएट अ यूनिक रेक्टेंगल, ठीक है. तो यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, कोई भी आपके पास दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स है
और आपके पास दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस है, समझ रहे हो इस बात को, आपके पास दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर मिल जाएंगी और दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस अगर मिल जाएंगी तो उनके इंटरसेक्शन के बीच में जो एरिया बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा, समझे इस बात को, है ना। तो अब ये अगर आपको फंडा समझ में आ गया तो आप इसका आंसर आप बढ़िया जल्दी से निकाल के बता सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, यस अनीश, यहां पे समझने की कोशिश करो। यहां पर हमारे पास एक चेसबोर्ड बना हुआ है, यहां पर रेक्टेंगल्स मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि यहां पर वर्टिकल लाइंस कितनी है, ठीक है, देखते हैं एक बार। ये एक वर्टिकल लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 वर्टिकल लाइंस है मेरे पास, ठीक है, याद रहेगा 9 वर्टिकल लाइंस है। ऑलराइट, और वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऑब्वियसली क्योंकि स्क्वायर होता है, तो जितने आपके वर्टिकल लाइंस आए उतने ही आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास टोटल 9 वर्टिकल लाइंस है, उन 9 वर्टिकल लाइंस में से कोई से भी दो वर्टिकल लाइंस उठा लो, कोई भी दो उठा लो, ठीक है। 9 में से दो वर्टिकल लाइंस उठाने के लिए हम क्या करेंगे, 9C2 लिखेंगे चीज को। 9C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने 9 वर्टिकल लाइंस में से दो वर्टिकल लाइंस मेरे काम की सिलेक्ट कर ली, ठीक है। वैसे ही अब मैं हॉरिजॉन्टल पे जाता हूं, पहले मैंने वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करी एंड देन आई विल सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड देन मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उनमें से कोई सी भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस सिलेक्ट कर लो, क्लियर है। और जैसे ही आपने ये सिलेक्ट करके यहां पे मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली आपका फिगर क्या बना है समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर एक बार बना के दिखाता हूं मैं, तो ब्लू वाले रेक्टेंगल को ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। ब्लू वाला रेक्टेंगल, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करी है एक ये वाली, और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सिलेक्ट करी है एक ये वाली, ठीक है। वैसे ही मैंने वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करी है एक ये वाली, और एक वर्टिकल लाइन मैंने सिलेक्ट करी है ये वाली। तो क्या आपको पता है कि यहां पे कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, जल्दी से बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो सिलेक्ट करी है वो पूरी की पूरी शेड कर दो, है ना, और जो वर्टिकल लाइन आपने सिलेक्ट करी है वो भी पूरी की पूरी शेड कर दो, ठीक है। तो क्या आपको दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक यूनिक स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है क्या, उसको शेड कर देता हूं मैं। ये पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल है, दिस इज वेरी यूनिक रेक्टेंगल, ठीक है। यहां पर आपको ये कैसे मिला है, इन दोनों पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस और इन दोनों पर्टिकुलर वर्टिकल लाइंस का सिलेक्शन के थ्रू मिला है, ठीक है। अगर यहां पर आप कोई और चीज कर लेते तो आपको नया रेक्टेंगल मिल गया होता। ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सिंपल है, 9C2 × 9C2 तो करना है, क्योंकि आपको अगर रेक्टेंगल्स क्रिएट करना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग रेक्टेंगल्स। काउंट कैसे करोगे, फिगर के अंदर एक एक करके काउंट करते बैठे हुए क्या, ऑब्वियसली नहीं, कुछ एक मेथड होना चाहिए ना। हम क्या बोल रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग मतलब क्या, रात भर काउंट थोड़ी करते बैठेंगे। 9C2 × 9C2 मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है। सो डेफिनेटली वी शुड थिंक ऑफ डेवलपिंग सम ब्रिलियंट अप्रोचेस, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच टू काउंट रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल कब बनता है, दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो फिगर बनता है वो रेक्टेंगल होता है। तो बस यही सिलेक्ट करना है आपको कि कितने वर्टिकल लाइंस है उसमें से दो वर्टिकल लाइन और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनमें से दो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली ए आएगा, क्लियर हो रहा है। यहां पर फाइनल कैलकुलेशन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ऑप्शन डिजाइंड है आपको क्लियरली ए ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लियर हो गया। यस, यहां पर क्या किया, हमने काउंट किए हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट, जिस बच्चे को इसके पहले डाउट था उसका आंसर अभी नेक्स्ट वाले में बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेसबोर्ड। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेसबोर्ड, इसका आंसर कितना आना चाहिए, ए बी सी डी, कौन सा आंसर आना चाहिए इसके, इसमें ट्राई करो। ए बी सी डी चेस बोर्ड में से आप अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो कितने स्क्वायर्स आप काउंट कर लोगे टोटल, सोचो जल्दी से। इस बार स्क्वायर्स करना है स्पेसिफिकली, ठीक है, इस बार रेक्टेंगल नहीं चलेंगे। तो इस बार थोड़ा सा स्क्वायर का काउंटिंग का मेथड हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पर हम इसके अंदर ऐसा करते हैं कि वन बाय वन हमारे स्क्वायर्स का विड्थ बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा अगर मैं स्क्वायर काउंट करूंगा तो 1x1 यूनिट का होगा, मान लेते कि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो आपको सबसे छोटा वाला ब्लैक स्क्वायर दिख रहा है एक, ठीक है। अब ऐसे 1x1 यूनिट के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे आपको, 1x1 यूनिट के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, यहां पर इस रो में 8 है, फिर 8 है, 8 8 8 करके ऐसे कितनी रोज है, 8 रोज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 × 8 मतलब टोटल 64 यहां पे आपके पास 1x1 विड्थ के स्क्वायर्स होंगे, ठीक है, मेथड समझते जाओ।
दूसरा क्या है, अब मैं स्क्वायर का साइज बढ़ा सकता हूं। अगर मैं स्क्वायर का साइज बढ़ाऊंगा, हाँ इसका आंसर बी बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप, है ना, वेरी गुड। यहां पर अगर मैं स्क्वायर का साइज बढ़ाऊंगा, अगर मैं 2x2 वाला स्क्वायर काउंट करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो कितने स्क्वायर्स आएंगे? ये जो मेरे पास, ये जो पहली दोनों रो को मिला के स्क्वायर बनने के चांसेस हैं, ऐसे कितने स्क्वायर्स बनेंगे? तो आपको पता चलेगा यहां पर 7 ही स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। पहले वाले दो रोज की मदद से जो यहां पे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, टोटल 7 ही यहां पर मेरे पास स्क्वायर्स आएंगे। क्यों आएंगे, ऐसा हो रहा है उसको यहां पे ध्यान से समझो। मैं यहां पर ये जो पहला वाला 2x2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसके लिए मैंने स्टार्ट कहां से किया, जो मेरी वर्टिकल लाइन 1 है वहां से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन 2 से स्टार्ट करने वाला एक और मिलेगा मुझे, वर्टिकल लाइन 3 से स्टार्ट करने वाला, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से स्टार्ट करने वाला एक और मिलेगा, लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला थोड़ी ना मिलेगा मुझे कोई। लास्ट जो मिलेगा मुझे वो ये वाला रेक्टेंगल, सॉरी ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होने वाले मिले हमें, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3, वर्टिकल लाइन 4, वर्टिकल लाइन 5, 6 एंड 7। 7 वर्टिकल लाइन से स्टार्ट होने वाले जो आपके स्क्वायर्स मिले हैं वो कहां है, फर्स्ट रो में। और ऐसे कितने मिलेंगे आपको, ये फिर से आप नीचे अगर जाते जाओगे तो यहां पर आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 का यूज करके बनाया था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ऊपर वाला साइड लेके आप बनाना स्टार्ट करोगे, लेकिन ऐसा करते करते आप और हॉरिजॉन्टल लाइन केवल 7 तक ही जा सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन 8 में और 9 में जाके आपको 2x2 का साइज का स्क्वायर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो यहां पर 2x2 वाला जो साइज है वो कितना मिलेगा आपको, 7x7 मिलेगा। एक रो में भी 7 है और टोटल ऐसे कितने रोज आएंगे, टोटल 7 रोज आएंगे, तो 7x7। तो यहां पर आपको एक पैटर्न बढ़िया से दिखने स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो 3x3 है ये विड्थ का आपको कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, आपको यहां पर स्क्वायर मिलेंगे 6x6, बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने 7x7 समझा है, ठीक है, वैसे ही आपको 6x6 दिखाई देगा। वैसे यहां पर अगर आप करते जाओगे तो 8x8, सबसे बड़ा वाला जो है 8x8 का कितना स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक ही तो स्क्वायर दिख रहा है, वो कहां से आया, 1x1 से आया। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली आप सम ऑफ स्क्वायर्स ही तो कर रहे हो फाइनल आंसर के लिए। तो यहां पर जिस बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है उसने एटलीस्ट कंसेप्ट याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आते रहता है, ठीक है। यहां पर क्या है, जब भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं किसी स्क्वायर ग्रिड में, अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने स्क्वायर ग्रिड में, ठीक है, जैसे कि चेसबोर्ड इज अ स्क्वायर ग्रिड, तो आपको क्या करना है, केवल 1 square, 2 square, 3 square, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक, जितने भी उसके अंदर ग्रिड्स हैं, है ना, उतने n स्क्वायर तक सारी चीजों को ऐड कर देना है, विच इज रिटर्न इन ऑप्शन बी। तो इस केस में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ। तो यहां पर दो अलग अलग क्वेश्चंस किए बच्चों हमने, एक है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का काउंटिंग और एक है नंबर ऑफ स्क्वायर्स का काउंटिंग। नंबर ऑफ स्क्वायर्स में हमने पैटर्न नोटिस किया है, जबकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में हमने डायरेक्ट अप्रोच डेवलप कर ली है कि रेक्टेंगल कैसे बनेगा। कोई भी दो वर्टिकल लाइन और कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस का सिलेक्शन कर लो तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। आई थिंक दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्क्वायर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हो गए, तीन क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, जिसके अंदर ज्योमेट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 में आया है, ठीक है। और अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने केवल एनसीआर के फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इतने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एनसीआर का कॉन्सेप्ट भी अगर आपने पकड़ लिया ठीक से, तो आप एडवांस के क्वेश्चंस कर पा रहे हो बच्चों। ये आज का दूसरा क्वेश्चन मैंने लाया है एडवांस का, ठीक है। इसके लिए 16 वाला क्वेश्चन किया था आपने सॉल्व, अभी 2014 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेट एन इज सम वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बी एन इंटीजर। ऑलराइट, एन कोई तो एक इंटीजर है। टेक एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. All right, तो यहां पर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने क्या किया, सर्कल के ऊपर आपने अलग अलग पॉइंट्स ले ली, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पता नहीं कितने लेना है, पता नहीं मुझे, कुछ तो ले लिया मैंने। All right, लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। All right. तो यहां पर अगर आपने सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लिए, कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स, जो पास पास वाले पॉइंट्स हैं उनको जॉइन करो, ठीक है। और वो अगर आपने जॉइन किए हैं तो उसको ब्लू कलर से जॉइन करो, ठीक है। कर देते हैं ब्लू कलर से जॉइन, क्या दिक्कत है ना, ब्लू कलर है हमारे पास, तो ब्लू कलर से इनको जॉइन कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ तो हो गया यहां पर, लेकिन मैं नोटिस कर सकता हूं कि अगर मैंने P1, P2, P3, P4, P5,
P6, P7, P8 है ना, मुझे पता नहीं बच्चों n का वैल्यू कितना है, तो ये फिगर सही भी हो सकता है, ये फिगर गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं प्रोसीड कैसे करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर n तो बना नहीं सकता, मैं n रुकूँ कहाँ पे, तो मैंने 8 पे रोक दिया अभी, है ना, जो कन्वीनियंट था वहाँ पे रोक दिया, ठीक है। यहाँ पर कितने ब्लू लाइन्स आ गए, एक बार चेक करो कितने ब्लू लाइन्स आ गए यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास ब्लू लाइन्स एग्जैक्टली उतने ही आएंगे जितने आपके पास पॉइंट्स है, ऑब्वियसली। जैसे आपके पास एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन में जितने आपके पास वर्टाइसेस होते हैं उतनी नंबर ऑफ साइड्स होती है ना, बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। एक एक करके काउंटिंग स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यहाँ पर आपको लाइन्स सेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और रेड क्या है, वो ब्लू, एंड रेस्ट बाय रेड, तो रेस्ट बाय रेड ये रेस्ट क्या है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय दिस एंड द रेस्ट बाय रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना, ऐसा बोला था ये पहले, ठीक है। जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट, तो हमने यहाँ पे एडजेसेंट वाले ज्वाइन कर दिए हैं, अभी जो एडजेसेंट नहीं है उनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे आएंगे ना बच्चों, समझ रहे हो इस बात को, मतलब ये एक ही पॉइंट अगर पकड़ लोगे तो यहाँ से निकलने वाले इतने सारे हैं, तो सारे तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कितने बनने वाले, ठीक है। लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए मैंने आपको ज्वाइन करके दिखा दिया कि रेड वाली लाइन्स कैसे दिखेंगी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ रेड एंड द ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, अब यहां से इक्वेशन बनना स्टार्ट होगी, क्या है इक्वेशन, यहां पर रेड का जो नंबर है लाइन सेगमेंट्स का और ब्लू का जो नंबर है लाइन सेगमेंट्स का वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, देन यहां पे आपका एन का वैल्यू कितना होना चाहिए। बहुत ही यहां पे बच्चों सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया एडवांस में, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े बड़े यहां पे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पीएनसी में और उनको साल भर तक टेंशन होता रहता है कि पीएनसी का क्वेश्चन तो हमसे बनने नहीं वाला, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर आ रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हो बच्चों एडवांस का, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको इस लेक्चर से कॉन्फिडेंस एटलीस्ट लेके जाना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं, टेक अवे सम कॉन्फिडेंस कि हम एडवांस का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इतने ईजी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पीएनसी के। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे अगर ब्लू लाइन्स काउंट करना है, ठीक है, तो ब्लू लाइन्स का तो फंडा हमें क्लियर हो गया, जितने हमारे पास यहाँ पे वर्टाइसेस आएंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड्स बनेंगे पॉलीगन के, ठीक है। तो आपने जितने पॉइंट्स लिए होंगे सर्कल के ऊपर उतने ही आपके ब्लू लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितने बनेंगे, जितने आपने इसके ऊपर पॉइंट्स लिए, तो एन पॉइंट्स लिए हैं तो लाइन सेगमेंट्स ब्लू वाले तो कितने हो गए, एन हो गए, ठीक है। अब रेड वाले केस में कैसे आंसर आएगा, रेड वाले लाइन सेगमेंट्स कैसे बनेंगे, जितने भी आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई से भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लो ना, जितने भी आपके पास n पॉइंट्स अवेलेबल है सर्कल के ऊपर उसमें से कोई से भी दो पॉइंट्स अगर आपने सिलेक्ट कर लिए तो उनको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई से भी दो को सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, NC2 n में से कोई से भी दो पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या यह हर बार रेड होगा क्या, नहीं, NC2 करने से आपके पास जो नंबर आएगा वो हर बार रेड लाइन सेगमेंट का नहीं आएगा, वो ओवरऑल लाइन सेगमेंट्स का आएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने P4 और P5 वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया बाई चांस तो उस केस में तो ब्लू लाइन सेगमेंट बन गया। इसका मतलब अगर मुझे स्पेसिफिकली रेड अलग से काउंट करके बताना है तो वो कैसे निकलेगा, NC2 से तो टोटल आ गया, मुझे रेड चाहिए तो ब्लू वाले हटा देते हैं, मुझे रेड चाहिए तो ब्लू वाले हटा दो, ठीक है। यस, यहां पर कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, यस श्रीनिधि बहुत बढ़िया बेटा है, श्रीजीत यस आपका आंसर भी सही है, गीतांश आपका आंसर भी बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन आई गेस कि आप उतना बड़ा आंसर लिखना नहीं चाह रहे थे, है ना, आपका आंसर भी ठीक है, ऑलराइट। चलो तो यहां पर अब मैं इसको क्या सॉल्व कर सकता हूं, इस इक्वेशन को, ये समझ में आ रही बच्चों बात, ये जो है ये ब्लू वाली लाइंस हैं और ये जो है ये रेड वाली लाइंस का आंसर है, क्लियर आ रहा है बात समझ में। तो यहां पर अब इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाला वैल्यू इस साइड लेके आओ, तो 2n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, NC2 ओपन करते आ गया सबको, ठीक है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो यहां से कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू 0 तो नहीं करना है ना आपको, n का वैल्यू तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो यहां से सॉल्व करके आपके पास एक्चुअली दो आंसर आ रहे हैं, n के, n का वैल्यू या तो 0 ले लो या फिर n का वैल्यू 5 ले लो, n का वैल्यू 0 ले लो या फिर n का वैल्यू 5 ले लो। ये सागर 3 कैसे आया बेटा, सागर 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, चेक करो एक बार, ऑलराइट। निधि यस, बाकी बच्चे भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऋतुराज 5 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो यहां पर क्लियर हो रहा है, एडवांस के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने स्टेप का क्वेश्चन है ये, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन नाम के लिए एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलराइट। चलो और आगे बढ़ते हैं, इससे एडवांस से बेटर क्वेश्चन कोई मिल रहा है क्या हमें, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट, ठीक है, ऑलराइट गुड, है ना, इस बार बच्चे को समझ में आ गया, आई कैन सी द हैप्पीनेस, ऑलराइट वेरी गुड। चलो ऐसे कमेंट्स में बताते रहा करो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो, दैट फील्स रियली नाइस कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट वेरी गुड। तो यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या हम। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी कभी तो अभी तो एडवांस में आया था,
ठीक है, लेकिन वो बहुत पुराना टाइम हो गया तो ईयर तो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैव 3, 4 and 5 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन देम। तो पहले तो यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जो बोल रहा है वो, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ऑल राइट, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। All right, the sides AB, BC, CA of a triangle ABC have 3, 4 and 5 interior points respectively. ठीक है, All right, तो यहाँ पर points लेना start करते हैं। मेरे पास AB के ऊपर respectively है ना, मतलब 3 points हैं। Interior में लेना है, ठीक है, कोने पे जाके नहीं लेना है। उसके बाद BC के ऊपर मेरे पास 4 points हैं और CA के ऊपर मेरे पास 5 points हैं। Figure समझ में आ गया? लेकिन आगे पूछ क्या रहा है ये? आगे क्या बोल रहा है ये? द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज इंटीरियर पॉइंट्स एज वर्टाइसेस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी क्रिएटेड। ट्राइंगल कैसे बनेगा? सोच पा रहे हो? वाला क्वेश्चन यहां पर क्या आप सोच पा रहे हो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां पे ऐसा करते हैं, पॉइंट्स के नाम देना स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है P1, P2, P3, ये पॉइंट है R1, R2, R3, R4, है ना। क्यों लेना चाहिए था क्या वैसे? ओहो, क्यों ले लेते हैं, बीच में से एक स्किप करना क्यों है, ठीक है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 और यहां पर R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के पॉइंट्स हैं यहां पे, एक P कैटेगरी का पॉइंट है, एक Q कैटेगरी का पॉइंट है, एक R कैटेगरी का पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक केस बता रहा हूं आपको, एक केस में क्या ले सकता हूं कि यहां पर अगर मैंने P कैटेगरी का एक पॉइंट लिया, Q कैटेगरी का एक पॉइंट लिया और R कैटेगरी का एक पॉइंट लिया और अगर उनको कनेक्ट किया तो पक्के से ट्राइंगल बनेगा, यस या नो? अलग अलग कैटेगरी में से एक एक पॉइंट लेते जाओ तो आपको पक्के से ट्राइंगल बनते हुए दिखाई देगा, जैसे कि ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। लेकिन और कोई केस हो सकता है क्या यहां पर? और क्या केस हो सकता है यहां पर? और एक ये केस हो सकता है कि पी कैटेगरी के दो पॉइंट्स ले लो, पी कैटेगरी के दो पॉइंट्स ले लो और क्यू कैटेगरी का एक पॉइंट लो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां पर P कैटेगरी के दो पॉइंट्स ले लेते हैं और Q कैटेगरी का एक पॉइंट ले लेते हैं, नाउ दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर तो बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे फिर तो, आई बस समझ में। तो यहां पर केसेस को कम कैसे करें? क्या हमने कोई मेथड पढ़ा है क्या? टोटल माइनस गड़बड़ वाली चीजें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, टोटल केसेस काउंट कर लेते हैं, दैट वुड बी द इजिएस्ट अप्रोच, ठीक है बच्चों। तो यहां पर सारे जो क्वेश्चंस में हम नए नए मेथड सीख रहे हैं वो आपको आगे वाले क्वेश्चंस में अगर लगते हुए लग रहे हैं तो आपने डेफिनेटली उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा करने बैठ गया और अगर मैंने यहां पे केसेस बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कि मैं अलग अलग कैटेगरी यहां पे ढूंढना स्टार्ट करता हूं और उनमें से मैं यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे आंसर 60 बता रहे हैं, चलो चेक करते हैं आंसर 60 आ रहा है क्या एग्जैक्टली, मुझे भी पता नहीं है, है ना, सॉल्व करके पता चलेगा, है ना। लेकिन मेथड मुझे पता है तो मेथड आपको समझा दूंगा पक्के से, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे विश्वजीत तो लेकिन 425 आंसर बता रहा है, ओहो काफी बड़ा आंसर बता रहा है। विनू यहाँ पे 237 आंसर बता रहा है और 60 इतने सारे बच्चे आंसर कैसे बता रहे हैं? अच्छा चलो, अब 60 आ रहा है कि कितना आ रहा है, बड़ा आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा करो आपके पास कितने पॉइंट्स है टोटल ये चेक करो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट्स है, ठीक है, आपके पास टोटल यहाँ पे 12 पॉइंट्स है कि नहीं, है ना। आपके पास 3, 4 और 5 टोटल 12 पॉइंट्स है, 12 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो। अगर आपने कोई भी 3 सिलेक्ट कर लिए तो क्या ट्राइंगल बन जाएगा क्या? अगर आपने कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट किए तो ट्राइंगल बनेगा क्या? मोस्ट ऑफ द केसेस में बनेगा, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाएगी। अगर आपने तीनों ही पॉइंट्स पी कैटेगरी के सिलेक्ट कर लिए तो ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना, यहां से ट्राइंगल नहीं बनेगा। वैसे ही आपने अगर तीनों पॉइंट्स क्यू कैटेगरी के सिलेक्ट कर लिए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर आपने तीनों पॉइंट्स आर कैटेगरी के सिलेक्ट कर लिए तो आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने में बस यही 3 केसेस दिक्कत दे रहे हैं, बाकी सब चलेगा। तो 12C3 तो कर ही लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस आपने काउंट कर लिए। यहां से जो गड़बड़ वाले केसेस हैं वो हम हटाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं की पी कैटेगरी की बात करता हूं, पी कैटेगरी में 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैंने इन तीनों में से ही 3 सिलेक्ट किए हैं देन इन दैट केस ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो सारे केसेस यहां से हटा रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस अगर मैंने क्यू कैटेगरी में से ही 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, कितने यहां पे 4 हैं, 4 में से अगर मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं तो यहां फिर से ट्राइंगल नहीं बनेगा, हमें तो ट्राइंगल चाहिए ना, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने आर कैटेगरी में से भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं तो आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा 5C3, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है एक सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, यस
ये एक सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आता है। जो भी आता है बिल्कुल सही आंसर है आपका पक्के से, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर शिवम बोल रहा है कि 205 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12C3 लिखना आसान हो गया क्या आपके सभी के लिए? 12C3 कैसे लिखेंगे? 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 माइनस 3C3 मतलब 1 हो जाएगा। 4C3 इज सेम एज 4C1, 4C3 इज सेम एज 4C1, उसका आंसर कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। एंड माइनस 5C3 इज सेम एज 5C2, उसका आंसर कितना होगा? 5 × 4/2 मतलब 10, ठीक है। तो आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? आपको टोटल 15 सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो भी आंसर आएगा इसमें से। तो यहाँ पर ये तो कैंसिलेशन बहुत ही आसानी से हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यस, आई थिंक शिवम आपका आंसर बिल्कुल सही लग रहा है बेटा। यहाँ पे 220 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर 205 ही आ रहा है। शिवम का आंसर बिल्कुल सही था। ऑल राइट, यस सर्वेश, 205 आप भी बता रहे हो। श्रीशा, 206 कैसे आ रहा है बेटा? यहाँ पर ये वाला केस छूट गया क्या आपका 1 सब्ट्रैक्ट करने का? ऑल राइट, बाकी 195 क्यों आ रहा है नकुल, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। ऑल राइट, प्रियांशु का भी आ गया 205, गीतांश का आ गया 205, वेरी गुड। हेज गेमिंग का भी 205 आ रहा है, आयुष सिंह 205, वेरी गुड। तो यहाँ पर समझ में आ रही बच्चों बात आपको, ठीक है। इसी तरह से बस क्वेश्चंस करते जाओ, आपसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे तो आपको पीएनसी में और मजा आता जाएगा। ऑलरेडी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी भी टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उसके कम से कम आपको कुछ नहीं तो 50-60-100 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो बन गए, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनेंगे उतना ज्यादा आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, 205, यस, ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद दिस। तो आगे देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास आज के लिए? ऑल राइट, लेट अस सी, ओहो एक और क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय 3 circles and 4 straight lines, ठीक है। ऑल राइट, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रखते हैं होमवर्क के लिए, ओके। हमारा टाइम भी वैसे भी अप हो गया है, एक्जैक्टली 10 बज रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर अगर कोई नए ज्वाइन करे तो उनको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स की क्लास बच्चों यहाँ पर रेगुलरली हो रही है, 9 से 10 रात को होती है। थोड़ा सा बीच में टाइम टेबल ऊपर नीचे हुआ था, बट अदरवाइज 9 से 10 इज वॉट इज अवर फिक्स टाइम फॉर यूट्यूब क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। और उसके अलावा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स होते हैं बच्चों, कब से कब तक? 7 से 8 आपके फिजिक्स का लेक्चर होगा और 8 से 9 आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, ठीक है। सो विद दैट नोट, आई थिंक आई एम रेडी टू गिव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज होमवर्क, है ना। आप जैसे आपने कल किया था बिल्कुल आज भी आप करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ कि इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन गलत आंसर नहीं बताना है, कल वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलत भी आंसर बताया था। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आराम से करके सही आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अगर किसी ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, है ना, क्योंकि यहां पर हमने क्या बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आज कर लिए। ज्योमेट्री वाले हमने काफी सारे क्वेश्चन बच्चों कवर कर लिए हैं, कॉम्बिनेशन का जो बेसिक आइडिया है वो आपने पकड़ लिया है, ठीक है। वो बेसिक आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने एडवांस के 2 क्वेश्चन कर डाले, 2016-2014 के आपने एडवांस के क्वेश्चन कर डाले, ठीक है। इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ऑल राइट, और ये जो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है ये तो ले ही लो। कौन सा वाला? यूट्यूब वाला, यूट्यूब वाला सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर YouTube को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं आपको बच्चों JEE के लिए फॉर ऑल द 3 subjects फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विद ऑल डिसिप्लिन एंड ऑल रेगुलरिटी, ठीक है। और अगर आप हमसे और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो दूसरे टाइप का सब्सक्रिप्शन ले लो, सेकंड सब्सक्रिप्शन इज फॉर अनअकैडमी प्लस, ठीक है, जहां पर आप अगर JEE लाइव कोड यूज करोगे यू विल गेट फर्दर 10% डिस्काउंट। तो प्राइस बच्चों ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। 1800 पड़ेगा प्राइस आपको अगर आपने 1 साल का लिया, 1500 होगा अगर आपने 2 साल का लिया, ठीक है। तो आप जितने टाइम के लिए लेना चाह रहे हो लो, और पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है। विद दैट नोट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।